विराट कोहली को बीच मैच में ऐसा गुस्सा आया ड्रेसिंग रूम तक जाकर शोर मचाया। नमस्कार, न्यूज स्टेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मनोज चहल। भाई मैच खेला जा रहा था इस वक्त केकेआर वर्सेस आरसीबी के बीच और कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बैटिंग करते हुए बोर्ड पर लगा दिया 222 रन। अब 223 का टारगेट था। विराट और फैफ ओपनिंग करने आए और विराट कोहली ने पहली गेंद पे चौका लगा दिया। आगाज बड़ा अच्छा किया और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा विराट लगा कि यार अच्छे फॉर्म में है और उनके पास ऑरेंज कैप भी है और इस मैच में जिस तरीके का आगाज किया था लगा विराट हो सकता है कि बड़ी पारी खेलेंगे और मैच फिनिश करके आएंगे। लेकिन तीसरे ओवर की पहली गेंद पर हर्षित राणा ने गेंद फेंकी और वहीं विवाद हो गया। हर्षित राणा ने तीसरे ओवर की पहली गेंद पर विराट को थोड़ा चौंका दिया। गेंद ऐसी थी कि थोड़ी सी फिल्टॉस थी गेंद और विराट उस गेंद पर सही से जज नहीं कर पाए, टाइम नहीं कर पाए और गेंद बल्ले के स्टिकर पर लगकर सीधे हर्षित राणा के पास पहुंच गया, यानी कि कॉटन बॉल आउट कर दिया हर्षित राणा ने विराट कोहली को। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठा था कि क्या ये गेंद नो बॉल तो नहीं है। अब विराट ने डीआरएस लिया लेकिन जो ऑन फील्ड अंपायर थे उन्होंने विराट को आउट करा दिया, यानी कि सॉफ्ट सिग्नल आउट हो गया। लेकिन विराट और फैफ लंबे देर तक बात करते रहे और जो डिसीजन था वो सॉफ्ट सिग्नल आउट था। अब ऐसे में जब थर्ड अंपायर के पास रिव्यू पहुंचा डीआरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसमें विराट को आउट करा दिया गया। जैसे ही विराट आउट हुए भाई विराट सरप्राइज हो गए कि यार ऐसे कैसे आउट हो सकते हैं, क्योंकि विराट थोड़ा सा क्रीज से बाहर खड़े हुए थे और जो गेंद आई थी वो थोड़ा सा डिप कर रही थी और इतनी हाइट थी, अब वेस्ट लाइन से थोड़ी सी नीचे दिखाई दे रही थी। अब ऐसे में विवाद ये था कि क्या ये नो बॉल तो नहीं है, लेकिन अंपायर ने विराट को दिया आउट। अब ऐसे विराट आउट हुए तो उसके बाद तो हंगामा हो गया। जैसे विराट पहले अंपायर्स के साथ थोड़ा सा नोकझोंक करते नजर आए, फिर ड्रेसिंग रूम में जाते जाते विराट ने बैट को नीचे मारा और फिर डस्टबिन उनके पास में रखा होता डस्टबिन को भी बैट से मारा। तो यह उसके बाद गुस्सा यानी कि चौथे पांचवें चरम पर था विराट कोहली का गुस्सा इतना था, बड़ा भयंकर गुस्से में देखा विराट कोहली को। और वैसे भी विराट कोहली गुस्से में दिखाई देते हमेशा, लेकिन कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा विराट कोहली का ये आउट होना कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े करता है कि क्या ये गेंद वेस्ट से ऊपर थी या नीचे थी। लेकिन कहीं ना कहीं इस मैच में काफी ड्रामा हुआ जब विराट कोहली आउट हुए, क्योंकि विराट और फैफ जब बैटिंग करने आए थे तो विराट कोहली बड़े आक्रामक अंदाज में नजर आए और विराट ने 7 गेंदों पर 18 बना दिए। बताओ उसमें कि 2 छक्के भी मारे विराट कोहली ने, एक चौका भी शामिल था और बड़े अच्छे सॉलिड इंटेंट के साथ बैटिंग कर रहे थे। और कहीं ना कहीं विराट का आउट होना ये बहुत बड़ा सेटबैक है आरसीबी के लिए। और दोस्तों आप जानते हैं आरसीबी के लिए मुकाबला करो या मरो जैसा है। और देखा जाए तो इस मैच में भाई केकेआर ने पहले बैटिंग करते हुए 222 बोर्ड पर लगाए, जिसमें कि सुरेश अय्यर ने आउटस्टैंडिंग पारी खेली, कैप्टन नॉक खेली उन्होंने, साथ ही साथ फील्ड शॉट ने जो ऊपर से स्टार्ट दिया था वो बड़े गजब का था। फील्ड शॉट भी आज खुलकर खेले, सुनील नारायण कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन नीचे से आकर रसल से उस तरीके की हिटिंग नहीं हुई। लेकिन बाद में देखा जाए तो वहां पर रमनदीप सिंह ने आज मन जीत लिया, या रमन ने वाकई जिस तरीके की बैटिंग की है। और मोहम्मद सिराज के एक ही ओवर में उन्होंने 2-2 छक्के लगाए, चौके भी लगाए और स्कोर छलांगे लगाता हुआ 222 पहुंच गया। 223 का टारगेट था, लेकिन विराट और फैफ ने जैसा आगाज किया था मजा आया था मैच में कि हो सकता है कि आरसीबी जीत जाएगी मुकाबला। लेकिन जैसे ही विराट आउट हुए अब ये सबसे बड़ा झटका था आरसीबी की टीम को, और वो भी एक ऐसी गेंद पर, कहीं ना कहीं इस मैच का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है जो हर्षित राणा की ये गेंद थी। फिर से हम आपको बता दें कि ये गेंद थोड़ा सा डीप कर रही थी हवा में और जिस पर विराट अच्छे से जज नहीं कर पाए और गेंद स्टिकर पे लगा और उसके बाद सीधा हर्षित राणा के हाथ में चला गया। कॉटन बॉल आउट हुए, खुद ही गेंद फेंका, खुद ही कैच लिया हर्षित राणा ने। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये नो बॉल तो नहीं थी, क्योंकि वेस्ट थोड़ी सी ऊपर थी और उसके बाद अब इफ एंड बट बहुत है इस विकेट को लेकर। लेकिन विराट कोहली का जो गुस्सा था ना वो सातवें आसमान पर था। वहां पर ड्रेसिंग रूम में जाकर भी विराट कई प्लेयर से बात कर रहे थे, वहां पर डस्टबिन को भी उन्होंने बैट मारा और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गुस्से में थे विराट कोहली का। और हम सब जानते हैं कि विराट का विकेट बहुत बड़ा विकेट है आईपीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। और इतना ही नहीं, वैसे विराट कोहली का आजकल गुस्सा कुछ ज्यादा ही रहता है, क्योंकि हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें रिंकू सिंह और विराट कोहली की, जिसमें कि रिंकू सिंह ने बैट तोड़ दिया था विराट कोहली का। वो बैट वैसे जो आरसीबी के फॉर्मर कैप्टन विराट कोहली उन्होंने गिफ्ट किया था रिंकू सिंह को, लेकिन रिंकू सिंह ने बताया कि भाई स्पिनर्स के वजह से मेरा बैट टूट गया स्पिन गेंद खेलते हुए। तो विराट उस पर गुस्सा हुए कि स्पिनर का गेंद खेलते हुए आप बैट कैसे तोड़ सकते हैं, तो उन्होंने बाद में बताया और उन्होंने फिर हंसी मजाक ही चल रहा था हालांकि ये, लेकिन ये वीडियो बड़ा काफी वायरल हुआ था। लेकिन अब ऐसे में दोस्तों सवाल ये है कि क्या आरसीबी अब केकेआर को हरा पाएगी, क्योंकि बड़ा मुश्किल लगता है। विराट का विकेट खो दिया है और बड़ा विकेट है विराट का। अब ऐसे में जो जिम्मेदारी है वो नीचे के बैटिंग पर होगी, क्योंकि वीके अच्छा स्टार्ट करते हैं और डीके फिनिश अच्छा करते हैं, लेकिन क्या इस मैच में दिनेश कार्तिक अच्छा फिनिश कर पाएंगे, क्योंकि विराट का विकेट कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा कि इस मैच का टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है। आपको क्या लगता है आप जरूर बताइए इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, क्या विराट का आउट होना कहीं ना कहीं आरसीबी का बाहर होना तो नहीं होगा, क्योंकि ये मैच अगर हारे तो फिर प्लेऑफ से ये टीम बाहर हो जाएगी ऑलमोस्ट ऐसा लगता है। फिर तो बस
उम्मीद ही बचेगी कि अब सारे मैच जीत जाए तो हो सकता है, लेकिन आठ में से अगर एक ही मैच जीतेंगे तो फिर कैसे ये टीम प्लेऑफ में जाएगी, फिलहाल तो मुझे मुश्किल लगता है। लेकिन आप लोग हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि क्या ये 223 बना पाएगी आरसीबी विदाउट, क्योंकि विराट जल्दी आउट हो गए, साथ में 18 बनाकर अब नीचे के बैट्समैन क्या वो रन बना पाएंगे या फिर नहीं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।